नमस्कार जी, मेरे पास दो शेयर्स हैं, एक TTML के, वो मैंने 2008 से लेना शुरू किया था और मेरे पास 600 शेयर्स हैं इस टाइम 28.5 की एवरेज पे। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें मैं आगे होल्ड करूँ या बेच दूँ। और ट्राइडेंट का जो भी कुछ देर पहले मैंने 18 रुपये में खरीदे हैं, ये भी 600 शेयर हैं, इन दोनों पे मेरे को आपकी एडवाइस चाहिए थी। ठीक है। ट्राइडेंट की अगर पहले बात करें तो 18 रुपए की आपकी खरीदारी है। लगातार अपर सर्किट छूकर इस स्टॉक ने काफी इन्वेस्टर्स का पैसा बनाया है और उसके बाद हमने वापस लोअर सर्किट भी लगते हुए देखे हैं इस स्टॉक में। अब सवाल यह है कि अभी तो इनको मुनाफा अच्छा हो रहा है ट्राइडेंट में, लेकिन मानस इन स्तरों से रणनीति अब क्या का फायदा मिल रहा है इनको? हर स्टॉक पर ये लेकर निकल जाना चाहिए या एक स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड कर ले, क्योंकि लोअर अपर सर्किट के बीच में घूम रहा है ये स्टॉक। इसका जो जो ट्रेंड है वो बताता हूं, जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव लगता है। दिक्कत की बात केवल इतनी है कि ये 5% के सर्किट वाला स्टॉक है, तो आपको कभी भी लोअर सर्किट लगेंगे तो शायद निकलने को नहीं बनेगा, इसलिए बहुत अलर्ट होकर इसमें ट्रेड करना चाहिए। कभी भी आपको ट्रेंड रिवर्सल होते हुए दिखे तो आपको बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए। जो प्राइस पे सपोर्ट है वो मैं आपको मेंशन बता देता हूं। एक तो आपको ध्यान रखना है 44 के स्तर का। अगर 44 रुपए के नीचे स्टॉक जाने लगे तो आपको समझना चाहिए कि अब ये रैली कंप्लीट हो गई है और अब यहां से आपको अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो पहली चीज, आपको प्राइस पे 44 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। जहां तक बात ऊपर की है, मेरा समझना है जो टारगेट है, अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो टारगेट आता है 72 रुपए के आसपास। 72 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको 44 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखना पड़ेगा। उसके नीचे जाए तो अपनी पोजिशन से एग्जिट कर जाइए, बट फिलहाल के लिए अच्छा लगता है इसलिए बिल्कुल बने रहिए।